નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટને લઈને દેશભરમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ભારે ભરખમ દંડની જોગવાઈને લઈ અનેક રાજ્યોમાં વિરોધ પણ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે માર્ગ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ઇન્ડિયા ન્યૂઝના સંવાદદાતા બ્રિજેશ પાંડે સાથે નવા મોટર વ્હીકલ મામલે વિશેષ ચર્ચા કરી હતી. આવો જોઈએ. નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપકા સ્વાગત હૈ ઓર મેં હું બ્રિજેશ પાંડે. પિછલે 15 દિનો સે આર્થિક મંદી કે અલાવા જો ખબર સબસે જ્યાદા પ્રમુખતા સે છાઈ રહી વો થઈ મોટર વ્હીકલ એક્ટ ઓર ઉસકા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, ઉસકે તહેત કી જા રહે ફાઇન ઓર ઉસકે અલાવા રાજ્યો મેં ઉસકા વિરોધ. ઇન સારે મસલો પર બાતચીત કરને કે લિયે હમારે સાથ હૈ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓર હાઈવે મિનિસ્ટર નીતિન ગડકરીજી. નીતિનજી, ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપકા સ્વાગત હૈ. નમસ્કાર સર. સબસે પહેલા સવાલ મેરા હોગા કે આખિર ક્યું મોટર વ્હીકલ એક્ટ કા ઇતના વિરોધ કિયા જા રહા હૈ? ક્યા ઇસે મિસઅન્ડરસ્ટુડ કિયા જા રહા હૈ? मुझे लगता है विरोध करने वाली कोई छोटी सी घटनाएं हैं, सपोर्ट करने वालों लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है. क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें हो जाती है और करीब 2.5 से 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, दिव्यांग बन जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है. और मरने वालों की संख्या में 18 से 35 वयोगट के 65% लोग हैं और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग मरने वालों की संख्या और एक्सीडेंट की संख्या भारत में है. 30% हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बोगस हैं और कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी अवस्था है. पुलिस वाला सिटी बजाता है, लोग भाग जाते हैं. 30 साल पहले जो फाइन 100 रुपये था, वो आज 100 रुपये के लिए कोई मीनिंग नहीं रहा है. और इसलिए समय के अनुसार लोगों के मन में कोई फाइन बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य ये है कि लोग कानून का पालन करें और जो वायोलेशन करते हैं उनको फाइन है, जो कानून से चलते उनको तो फाइन है ही नहीं है. तो मुझे लगता है कम से कम समाज की स्थिति को सुधारने के लिए ये कानून लाया गया है. और आपको मैं बताऊं, जैसे हमने 1 सितंबर लागू किया और ऐसी स्थिति आई कि 4 गुना ज़्यादा लाइसेंस मांगने वाले लोग हाईवे में आए, फिटनेस सर्टिफिकेट, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, लाइन लग गई. क्या ये देश के लिए अच्छा नहीं है? और मुझे बताइए, पैसे से ज़्यादा आदमी की जान महत्वपूर्ण नहीं है? किसी ने अपने जवान लड़के को गंवाया, लड़की को गंवाया, भाई बहन को गंवाया, क्या उन लोगों की जान बच नहीं सकती थी? और इसलिए ये जान बचाने के लिए लिया हुआ निर्णय है. छोटा सा बच्चा घर में गड़बड़ करता है तो माँ उसको डांटती है तो क्या सज़ा होती है? क्या मुझे बताइए, माइनर लड़की पर बलात्कार करने पर फांसी की सज़ा का प्रयोजन किया गया, इसका मतलब हम उनको फांसी पर लटकाना चाहते ये नहीं है. मतलब ये है कि कोई ये काम ही ना करे ताकि शिक्षा इतनी बड़ी है. ये मैसेज जाने के लिए हुआ है. मुझे लगता है इसी एटीट्यूड में, पॉजिटिव अप्रोच में लोगों ने लेंगे तो देश का भी भला होगा, लोगों की जान बचेगी और एक्सीडेंट की संख्या कम होगी. लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए, जैसे एक मोटरसाइकिल था उसके ऊपर करीब 50,000 के करीब उसके ऊपर कंपाउंडेबल फाइन था. एक ट्रक था जिसके मालिक का नाम श्रीराम था और उस ट्रक पे करीब 1,41,000 रुपये का फाइन था. आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा आउट ऑफ गलत बात है? देखो, ओवरलोडिंग किया ट्रक ने, उसका फाइन लगा. फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, उसका फाइन लगा. पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, उसका फाइन लगा. उसके पास लाइसेंस नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका फाइन लगा. तो ये कैसा है कि ये आखिर आप वायलेशन करोगे और एक भी आपके पास बात नहीं होगी तो आपको भुगतना होगा परिणाम. तो इसलिए आप ऐसा करो कि आप नियम से चलो, आपको 1 रुपया फाइन भरने की जरूरत नहीं है. पिछले कुछ दिनों में एक खबर आई कि गुजरात ने और फिर कल आया कि उत्तराखंड ने भी फाइन्स को आधा कर दिया. आपको नहीं लगता कि इस तरह के कदम से जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो डाइल्यूट होता है? ऑलरेडी कुछ प्रोविजन है कि 500 से 5,000 अप टू 5,000, तो 600, 700, 800, 1,000 तो ये राज्य सरकार कर सकती है. और इसलिए कानून में जहाँ प्रोविजन है उनको अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. राज्य सरकार के भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है. और ये सब करने के पहले हमने ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की कमेटी बनाई थी यूनुस खान की अध्यक्षता में. उन्होंने 10-12 मीटिंगें करके कानून का प्रावधान तैयार करके हमको प्रेजेंट किया. फिर हम लोकसभा में गए, कैबिनेट ने पास किया, फिर लोकसभा में गए, लोकसभा में वो स्टैंडिंग कमेटी के पास गया, फिर वहाँ से सब पार्टी के मेंबर थे, फिर राज्यसभा में गया, फिर उसमें जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास गया, वहाँ सब पार्टी के मेंबर थे और सबने मिलकर यूनानिमस पार्लियामेंट के दोनों सभागृह में पास करने के बाद फिर हमने कानून इम्प्लीमेंट किया. तो मुझे लगता है कि जनता लोगों ने इसको पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, हमको लोगों की जान बचाना है इस दृष्टिकोण में देखना चाहिए, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे और हजारों लोगों की जान बचेगी. आपको क्या लगता है कि जो राज्यों में, बहुत सारे राज्यों ने कहा कि हम इसको पूरी तरह से लागू नहीं करेंगे, एक महाराष्ट्र जहां से आप आते हैं उन्होंने भी कहा, जब तक आप एक लेटर लिखा महाराष्ट्र, तो आपको लगता है इसकी वजह पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से राज्य इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा और महाराष्ट्र के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री थे वो उस कमेटी में थे.
जो 20 ट्रांसपोर्ट मंत्री की कमेटी थी, और अभी तक मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है, अभी राज्य सरकार ने अधिकृत कोई निर्णय नहीं किया। तो आपको लगता है कि इसकी वजह केवल जो अभी आ रहे चुनावों की वजह से इस तरह का विरोध किया जा रहा है? या मैं ऐसा नहीं कहता, मैं विषय को पॉलिटिकलाइज नहीं करता, मैं किसी के इंटेंशन पर डाउट भी नहीं लेता, मैं राज्य सरकार के निर्णयों का सम्मान करता हूँ। मेरा उतना ही अपील है उनसे कि हम लोगों की जान बचाए दोनों मिलकर, और लोगों की जान की रक्षा करना, 2% GDP देश का कम होता है एक्सीडेंट के कारण, इस स्थिति से हमको देश को बाहर लाना है। इसको राजनीतिकरण न करते हुए इस कॉन्टेस्ट में हम इसको समझें और उचित निर्णय करें। मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार इसको पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद निश्चित रूप से उचित निर्णय करेंगे। सर, जैसा आपने बोला, एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, राज्य कानून को अपनी दृष्टि से देखते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि रूल भी अलग अलग है। कई राज्यों में पिलियन राइडर यदि हेलमेट नहीं पहनता तो वो जुर्म नहीं है, और लेकिन कई राज्यों में है कि आप जो मेन ड्राइवर है और पिलियन राइडर दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है। तो आपको नहीं लगता कि एक समान ट्रैफिक लॉज होना चाहिए? इसके बारे में अभी तमिलनाडु ने 28% रोड एक्सीडेंट में कमी करी और जान बचाई, तो मैंने सब राज्यों को कहा कि तमिलनाडु के सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस का आप भी उपयोग करिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सभी राज्यों ने एक समान रूप से अगर निर्णय किए तो कभी भी देश में अच्छा ही होगा। एक और कारण है सर कि बाहर के देशों में हमने देखा है कि ट्रैफिक को लेकर बेहद कड़े नियम हैं और उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाती, चाहे आप कोई भी हों, और उसी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और बिना किसी विवाद के, बिना किसी हाय तौबा के। आखिर ऐसा कारण क्या है कि हमारे यहाँ, जब आप बता रहे हैं इतनी जागरूकता है, इतनी ज़रूरत है, उसके बावजूद भी इस तरह की हाय तौबा क्यों मचाई जा रही? ये एक्चुअली आप नाराज़ ना हो तो मीडिया भी पैनिक कर देती है। अब मुझे बताइए, 30 साल पहले 100 रुपये की कीमत क्या थी और आज क्या है? तो उस पर भी आज विचार करेंगे तो 100 रुपये की कीमत कितनी हुई, तो रेट तो बढ़ेगा, और इसलिए रेट अगर कम रखेंगे तो लोग सीरियसली नहीं ले रहे। जब फाइन ज़्यादा होगा तो लोग बिल्कुल, अभी देखो आज सभी, अभी आपकी मीडिया में रिपोर्ट आया कि लोग बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग के अंदर खड़े हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, क्योंकि कानून के प्रति डर भी होना और सम्मान भी होना, ये दोनों बातें समाज में आवश्यक है। ये दोनों ही चली गई थी, और इसलिए लोग इसको समझे और लोगों के मन में डर और सम्मान दोनों पैदा हो, इसलिए ये कानून पास किया गया। एक और वर्ग है सर जिसका ये कहना है कि कई बार इम्प्लीमेंटेशन में कमी आती है। उनका कहना है जैसे लोग नोएडा से दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं तो तुरंत अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं, अपने पेपर्स सही रखते हैं, या चंडीगढ़ के अंदर एंटर करते हैं तो तुरंत अपने, मतलब इंश्योर करते हैं कि सारे सामान उनके, मतलब सारे कागजात ऑर्डर में रहें। बाकी जगहों पर ये इम्प्लीमेंटेशन का स्तर उस तरह क्यों नहीं बढ़ता? और आपको नहीं लगता यदि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं होगा? अभी आजकल ये इम्प्लीमेंटेशन इतना हुआ है ट्रांसपेरेंट कि मुंबई में सीलिंग पर मेरी गाड़ी का ड्राइवर, मुंबई में मेरा घर है, तो वो ड्राइवर स्पीड से जा रहा था तो टिकट मेरे को आ गया, मैंने फाइन भरा। वीके सिंह साहब ने, राज्य मंत्री, उन्होंने फाइन भरा। ये कैमरा किसी को नहीं, नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, ये किसी को नहीं देखता, और एक बार कैमरे में आपकी इमेज आ गई तो आपको फाइन भरना ही पड़ता है। आपने कितने का फाइन भरा? 1000 रुपये भरा। सर, एक और चीज़ है कि जिस तरह का आप कानून ला रहे हैं और उसके पीछे जो आपका इंटेंशन है, उसको बहुत लोगों का मानना यह है कि क्या ऐसा नहीं है कि सरकार जिस प्रकार की सड़कें बनाती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वोज हैं, क्या उन्हें भी बेहतर करना चाहिए, और क्या सरकार को डिस्प्रोपोर्शनेट ये नहीं पहला है कि कानून है कि जिसमें खराब रस्तों के लिए, पॉट होल के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार पकड़ के उसके ऊपर भी कार्रवाई करके उसको फाइन करने का प्रोविजन किया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा। सर, इसके अलावा एक और चीज़ है कि जिस तरह से आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात कही, पहला राज्य जो इसके अगेंस्ट आया इन द सेंस कि उसने डाइल्यूशन की बात की थी, वो थी गुजरात। इसके अलावा बेंगलोर, कर्नाटका के भी मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा, महाराष्ट्र से भी आया, कल उत्तराखंड ने भी कर दिया। क्या आप अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को कन्विंस कर पाने में? मेरी बात हुई है और वो निश्चित रूप से सहयोग भी करने के तैयार है। उन्होंने उनके अधिकार में जो बातें थी वही केवल की हुई है, और मैं उससे चर्चा भी करने वाला हूँ, इसके बारे में उनको कहने वाला हूँ कि एक बार आप प्रेजेंटेशन भी देख लो। मेरा विश्वास है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री और सरकारें मुझे, हमको सहयोग करेगी, क्योंकि राज्यों में मरने, निरपराध एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की जान बचाना, ये भारत सरकार की जितनी जिम्मेदारी उतनी राज्य सरकार की भी है, और निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें सहयोग करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
लेकिन इस पे आपने साफ कह दिया कि आप इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ राज्य इस पे राजनीति करना चाह रहे हैं। जैसे कल ममता बनर्जी ने इस पे काफ़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब हम किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं करेंगे, ये चाहे केंद्र सरकार कुछ भी कहे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उनका निर्णय है, फिर उनके राज्य में जो लोग एक्सीडेंट्स होंगे, मरेंगे, उनकी जिम्मेदारी उनकी होगी। मैं इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहता। एक आखिरी सवाल सर, आप कितने आश्वस्त हैं कि आज से 6 महीने डाउन द लाइन चीज़ें कितनी बेहतर होंगी, राज्यों से कितने कोऑपरेशन की आप उम्मीद रखते हैं? मुझे लगता है कि राज्य जनता का भी दबाव बढ़ रहा है, बाय एंड लार्ज पब्लिक का इसको सपोर्ट है, और हमारे मुख्यमंत्री सभी पार्टी के कोई भी हो, सब लोग विचारपूर्वक इसका अध्ययन करके उचित निर्णय करके लोगों की जान बचाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं उनसे बातचीत भी करूँगा, हमारे सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है, और निश्चित रूप में उसके ऊपर अमल होगा और लोगों की जान बचेगी। इस साल हम बचा कर दिखाएंगे, यही मेरा विश्वास है। नितिन गडकरी जी, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।